तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, समाजवादी पार्टी छोड़कर आई, नेताजी के परिवार की बहू होने के नाते आपने वो पार्टी छोड़ी, तो क्या आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्या आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? परिवार से देखिए, मेरा परिवार वो आज भी रह गए, मेरा परिवार वो आज भी है, कल भी रहेगा, तो इसलिए परिवार से मेरी कोई विमुखता नहीं है, क्योंकि मेरी विचार सापेक्ष राजनीति है। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जितना अच्छा काम कर रहे हैं, उतना अच्छा काम मुझे नहीं लगता था इसलिए कि किसी और ने किया, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और सिर्फ एक महिला के लिए परिवार की बात इतनी क्यों बात पूछी जाती है? मैं तो आप सबसे, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं समाज में, जब महिला कोई अपना निर्णय लेती है तो महिला पे सवाल क्यों? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी स्वयं बना ली, उन पे कोई सवाल नहीं हुआ? क्या उन्होंने परिवार तोड़ने का काम नहीं किया? मैं उनसे बोलना चाहती हूँ जो अपने दलों के साथ बाहर जा कर के जातिगत राजनीति करते हैं, क्या उस तरीके से हनन नहीं होता है औरों के अधिकार का? हम एक जाति समुदाय के बात कर रहे हैं, तो मैं महिला हूँ तो इसलिए शायद सॉफ्ट टारगेट करते हैं सारे लोग। तो मैं देखिए राष्ट्रवादी हूँ, मेरे साथ जो है मोदी जी का और योगी जी का विजन है, और मैं राष्ट्रवाद की राजनीति करूँगी और आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूंगी। मेरे लिए नेशन प्रायोरिटी है, नेशन फर्स्ट है मेरे लिए। इसको कुछ लोग, आपके जो क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, वो मौका परस्ती बोलते हैं कि जब आपको वहाँ चुनाव लड़ना था आप वहाँ पे रहीं, फिर आपकी परिवार में बनी नहीं, आपने छोड़ दिया, आप यहाँ आ गई। चुनाव लड़ी नहीं रही हूँ, मैं चुनाव लड़ी नहीं रही हूँ। आपको कैसे पता कि मुझे लोकसभा का टिकट प्रॉमिस किया है कि राज्यसभा का टिकट प्रॉमिस किया है? अखबारों में, सुर्खियों में, जिसपे आप लिया करते हैं उसे हम भी पढ़ते हैं। कुछ भी बात लोग कहते रहते हैं, पर इस तरीके के लिए मैं नहीं यहाँ पे आई हूँ। अगर मुझे लड़ना होता तो मैं लड़ रही होती चुनाव, मेरी किसी प्रकार से कोई वो बात नहीं है ऐसी, और मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। अगर उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में लिया है तो मुझे कुछ सोच समझ करके अगला फेज का जो चुनाव है अपना जी, तरीके से परिवार से कोई मन मुटाव नहीं। वो यादव बहुल इलाके में है, वो यादव लैंड में जिसको कहा जाता है, उस इलाके में थर्ड फेज का चुनाव है। पिछली बार 30 में से 24 सीटें बीजेपी जीती थी, 3 दिन के बाद वोटिंग होनी, आज हम 15 तारीख को है, 18 को प्रचार खत्म होगा, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या आप जा रही हैं करहल, उस सीट पर जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगी बीजेपी का, बघेल साहब का? देखिए पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मैं पहले भी कह चुकी हूं, वहां अपर्णा यादव जाएगी। इसी क्रम में मैं रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और कानपुर देहात हो चुकी हूँ अभी, क्योंकि मेरा लखनऊ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, और 175 कैंट विधानसभा में स्वयं चुनाव लड़ चुकी हूँ। तो मैं कल सरोजनी नगर करके आई हूँ, आज मैं इस समय वर्तमान में मैं कैंट विधानसभा में लगातार प्रचार के लिए लगी हुई हूँ। तो पार्टी जो मुझे आदेश कर रही है मैं पार्टी के साथ हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ। पार्टी अगर कहेगी तो वो मैं करूँगी जी। तो आपको प्रचार करने में अपने परिजनों के खिलाफ गुरेज नहीं है, आप कर सकती हैं? देखिए पार्टी, अब मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और परिवार एक अलग विषय है, और परिवार और राजनीति दो चीज़ों को आपस में हम ना मिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। राष्ट्र के लिए जो लोग मुझे शीर्ष नेतृत्व मेरा तय करेगा तो मैं वो काम करूँगी। मेरे लिए मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरे को सोच समझ करके हर जगह भेज रहे हैं, और मैं उनका उसी क्रम में उनके नियमों का पालन कर रही हूँ। ABP News, आपको रखे आगे।